एक्सक्यूज मी, अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि पहले की तरह हम एक साथ एक ही कमरे में रहेंगे तो भूल जाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी से आप इस कमरे से बाहर निकलिए, मुझे सोना है। लगता है मोदी भवन से आप अपने साथ एक और चीज लेके आए, गलतफहमी। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों अब एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने आपका सारा सामान बाहर रख दिया। आप बाहर जा सकते हैं। मैं इनके कुछ ज्यादा ही बर निकल आए, मेरा हाथ पकड़ के बेडरूम से बाहर फेंक दिया। आज इतने सालों बाद तेरे अंदर का पति जाग उठा, शाबाश। जगह तो यही है ना? यस बड़े पापा। अवतार का म्यूजिक बजा, लग रहा हम सही जगह पर आए। मुझे पता है मेरी मीरा को कुछ नहीं होगा, खाना जी उसे कुछ नहीं होने देंगे। तो दरवाजा अंदर से बंद। एक काम करना होगा, है पीछे के रास्ते से जाना होगा, हो सकता है कि वहां से अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। हाँ मां बिल्कुल ठीक कह रही हो। गोपी तुम लोग यहीं रुको और हमारा इंतजार करो। रहीम जी, गोपी प्लीज सिद्ध मत करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, प्लीज गोपी यही रुको। नहीं रहीम जी, मुझसे नहीं होगा, मुझे भी साथ ले चलिए। गोपी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा ना हम हैं ना, हम ढूंढेंगे मीरा को। बिल्कुल सही कह रहा है, हमें यही रुक कर इंतजार करना होगा। तुम चारों जाओ लेकिन संभल कर। लेकिन माँ जी, माँ जी आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? अंदर भीड़ होगी, पता नहीं कितने लोग होंगे, और कहीं तुम्हें धक्का लग गया तो। और बेहतर है कि हम यही रुक कर प्रतीक्षा करें। लेकिन माँ जी, फिर लेकिन एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती गोपी माँ? तुझे क्या लगा तू भाग जाएगा? अब बता मेरा का। अंकल मैं नहीं जानता। मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे? मीरा कहाँ है? अंकल मैं सच में नहीं जानता। तू नहीं बताएगा मीरा कहाँ? नहीं बताएगा मीरा कहाँ? नहीं बताएगा मीरा कहाँ? बताएगा मीरा? अंकल मैं नहीं जानता मीरा कहाँ है। अंकल मैं सच में नहीं जानता। तुझे पता है कि जब तक तू मीरा के बारे में नहीं बताएगा मैं तुझे मार दूंगा। मीरा कहाँ है? बता मीरा कहाँ है? नहीं जानता। मैं सच में नहीं जानता मीरा कहाँ है। कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम गोपी बहू? हाँ माँ जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर उस दिन मैंने गुस्से में मीरा को नहीं कहा होता कि वो हमारे सामने ना आए तो वो घर के बाहर नहीं जाती और ना ही उसे कोई अगवा करता। माँ जी कहीं मेरी गलती की सजा कान्हा जी उसे? नहीं, एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने कहा ना जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज तक कृष्ण भगवान ने हमें कभी भी निराश नहीं किया है। मुझे कृष्ण भगवान पर पूर्ण भरोसा है, बहुत जल्दी मीरा हमारे पास होगी, हमारे साथ होगी। जब तक तू नहीं बताएगा मैं तुझे मारता हूँ। बताएगा मीरा? हमारे बड़े पापा को अकेले मत समझ। बता
बता मीरा दी का है? तुझे जान से मार देगा, बता मीरा दी का है? ले 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 ले। पहले अपनी जिन से संभाल, पंच बाद में मार। तुम लोग से मेरे पीछे क्यों पड़ो? मैंने कहा ना कि मैं नहीं जानता कि मीरा कहाँ है। चुपचाप से बता मीरा दी कहाँ है। बोलो किंजल। जिगर भाई, भाई आप कहाँ हैं? क्या कुछ जरूरी काम था? इस चौल में बहुत गर्मी है और आप तो जानते हैं कि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और एसी के बगैर मुझे नींद नहीं आती। ऐसे नहीं बताएगा, बता भी आ जाए। तुझे अभी पूछा कि मीरा कहाँ है वरना मैं तुझे मार दूँ। ये तो एम भाई की आवाज थी। इस तरह किस पे चिल्ला रहे थे? वो भी इस वक्त। माँ जी अब काफी समय हो गया है और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। चलिए चलिए हम अंदर चलते हैं। माँ जी गोपी बहू, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते। यदि थोड़ी देर में वो लोग नहीं आए तब हम अंदर चलेंगे। माँ जी आप समझने की कोशिश कीजिए, बच्चा जब मुसीबत पे होता है तो माँ के अंदर दुनिया के हर एक हालात से लड़ने की ताकत आ जाती है। मेरी मीरा मुसीबत में और अगर इस वक्त मैं उसके पास नहीं गई तो मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। माँ जी हम बहुत ही सावधानी से अंदर जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, आप चलिए मेरे साथ। माँ जी प्लीज चलिए। ठीक है हम अंदर चलते हैं। चलिए माँ जी। तुझे पता है जब तक तू नहीं बताएगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोल मीरा कहाँ है? बोल मीरा कहाँ है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझा? बोल बोल मेरी मीरा कहाँ है? बोल तूने उसका किडनैप किया है ना? बोल कहाँ है मीरा? यदि तुमने नहीं बताया कि हमारी मीरा कहाँ है तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। प्लीज बिलीव मी, मैंने आपकी बेटी का किडनैप नहीं करवाया। आप एक बात बताइए कि मैं आपकी बेटी का किडनैप क्यों करवाऊंगा? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ पर ये बात अलग है कि उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। डोंट ट्राई टू मिसगाइड अस संस्कार। हमारे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में हमने क्लियरली देखा है कि तुम मीरा दी से मिलने आए थे, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, दी ने तुम्हें थप्पड़ मारा और इसीलिए तुमने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें किडनैप करवाया है ना? नहीं अंकल जी, प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने आपकी बेटी का किडनैप नहीं करवाया। आप सबको ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अंकल जी मेरा मीरा के साथ ब्रेकअप होने के बाद मैं एकदम चला गया था डिप्रेशन में। बस उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैंने दोस्तों के साथ ये पार्टी रखवाई है। अब चाहे तो इन सबसे पूछिए। हाँ इसने अपनी ब्रेकअप पार्टी के लिए ही हमें यहाँ इनवाइट किया। नहीं नहीं नहीं, मैं ये हरगिज नहीं मान सकती। ये झूठ बोल रहा है और धोखा देने के लिए इसने सब कुछ नाटक रचा है। गोपी तुम चिंता मत करो, जब तक ही मीरा के बारे में नहीं बताएगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मीरा का फोन, वीडियो कॉल। मीरा डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। डैड मीरा मीरा बेटा तू कहाँ है? मम्मा डैड मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज सेव मी डैड। मीरा मीरा बेटा डरने की कोई बात नहीं है। मीरा हिम्मत मत हारो। हाँ मीरा देखो हम सब है ना, तुम बताओ तुम हो कहाँ? डैड प्लीज बचा लीजिए डैड। मीरा तुम चिंता मत कर, हमने संस्कार को पकड़ लिया है। मैं जानता हूँ इसने तुम्हें किडनैप किया है। हाँ मैं तुम्हें बहुत जल्दी छुड़वा लूंगा। कहाँ तुम मीरा, बताओ मुझे कहाँ तुम? मैं भी आता तुम्हें लेने। हाँ मीरा हम जान चुके हैं कि इसी ने तुम्हें अगवा किया है। मीरा तुम बस बता दो तुम हो कहाँ, हम सब अभी वहाँ पहुँचेंगे। मीरा मीरा प्लीज बेटा जल्दी बता तो है कहाँ, क्योंकि ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा है। मम्मा वो कह
कैसे बताएगा? क्यों मीरा? क्योंकि संस्कार ने तो मुझे किडनैप ही नहीं किया है। What? हाँ डैड, मुझे तो इन लोगों ने किडनैप किया। डैड, इनको जो भी चाहिए ना जल्दी से दे दीजिए डैड, बड़ा ही लोग मुझसे भाग गए। मीरा, मीरा तुम कहाँ हो? मीरा मुझे बताओ कि तुम्हें किसने किडनैप किया है? मैं अभी वहाँ पे आऊँ। यू? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी होगी। मेरे डैड को फोन दो। मीरा, बेटा तुम कहाँ हो? बताओ मुझे। मामा प्लीज बचा लो मामा, मामा। मीरा, मीरा जल्दी बता बेटा तू है कहाँ? मीरा। मीरा, मीरा। फोन काट दिया। क्या? एम जी, मीरा को फोन लगाइए। फोन लगाइए और पूछिए वो कहाँ है। और उन शैतानों से भी पूछिए उनको क्या चाहिए, वो क्यों मेरी बेटी को लेकर गए। एम जी मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी मीरा सही सलामत मेरे पास चाहिए। मैम जी आप सुन रहे हैं ना, मुझे मेरी मीरा चाहिए। आप माँ जी संभालो अपने आप को गोपी बाबू। बस सबको हो गई ना तसल्ली। मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि मैंने मीरा का किडनैप नहीं किया है, पर आप लोग मेरे के पास सुन ही नहीं रहे हो। अंकल जी भले मेरा और मीरा का ब्रेकअप हो गया, बट आई स्टिल केयर फॉर हर। तो जी अगर किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए तो अंकल मैं हूँ। बस कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे मदद की। बहुत मदद कर चुके हो तुम मीरा की, अब नहीं। और वैसे भी ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें बीच में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझी गयो? राज तू बच गया, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू आज के बाद मीरा और मेरी फैमिली के करीब आए ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलिए माँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।